तो ये नक्सलवाद की जो जड़ क्या है, आपने जो बताया ये है ब्राह्मणवाद, क्योंकि वहां के जो ब्राह्मण है। खुद इस समय मध्य प्रदेश के सोसर तहसील जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है, आज यहाँ पे बौद्ध धम्म महाउत्सव का कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और उसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल जी, उनके पिताजी यहाँ पर आए थे, उनका आगमन हुआ, उनके द्वारा आज उसका उद्घाटन हुआ और वो कार्यक्रम चालू हो गया। उन्होंने काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी जो है, या फिर जो भी समतावादी या मानवतावादी विचारों को जिन्हें अपनाना चाहिए, उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया। तो इसी संबंध में मैं उनसे कुछ चर्चा करूंगा कि जो इस समय देश में जो मुख्य समस्याएं खड़ी हुई हैं, बहुजन समाज के साथ में सामाजिक न्याय की जो तकलीफें आ रही है, उन सारी चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूंगा। कृपया करके आप थोड़ा गंभीरता से वीडियो देखिएगा, हो सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर आए। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, धन्यवाद। यह है बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म हमें दिया था, आज काफ़ी समय निकल गया, उसके बावजूद भी, और उस समय जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में बताया कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी, लेकिन आज देश में जब जनगणना होती है उसमें जब प्रतिशत आता है तो 1 से भी कम गड़ा, लेकिन परसेंट भी नहीं है, तो ये कारण क्यों है? इसका कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बेईमानी करते हैं इंटरव्यू के समय। दूसरा ये है कि बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म अवलंबी को टॉर्चर करते हैं कि भाई तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा करके बौद्ध धर्म से हटाने की प्रयास करते हैं, और अब आगे नहीं होगा क्योंकि बौद्ध धर्म का झंडा दिल्ली में फहराने वाला है और बौद्ध धर्म का राज्य आएगा, और फिर जो बौद्ध धर्म अपनाएंगे उनको इनाम मिलेगा। अच्छा, ऐसा है, लेकिन मैंने ये देखा है जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं वो लोग खुद जो अपने डॉक्यूमेंट है उसमें हिंदू लिखते हैं, शायद ये भी एक कारण होगा। नहीं, इसका कारण ये है कि उनको भयभीत किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है कि बौद्ध लिखोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जो गलत है। नहीं तो इस पर रूल क्या है कि अगर वो बौद्ध लिखेंगे तो ऐसा कुछ होगा? रूल तो हम बनाएंगे ना, हमारा राज्य आएगा तो बनाएंगे। तो आपने जैसा बताया कि राज्य आएगा, तो राज कैसे आएगा? राज आएगा कि हम एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एक हो जाएंगे तो राज आ जाएगा। अभी हम ये देखें कि जब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या महाराष्ट्र चुनाव जो हुआ, वहाँ पर हमने देखा कि जितने भी बहुजन समाज से रिलेटेड या जो बाबा साहब का अपना अनुयायी कहते हैं, वहाँ बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो सारे लोग अलग अलग लड़ते हैं, जैसा आपने भी कहा कि वोट कटते हैं और उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है, और आपने ये कहा कि कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस अगर 10% लोगों को, जो आपने जो कॉन्सेप्ट दिया कि 90% जो बहुजन समाज है एससी, एसटी, ओबीसी और उसमें अल्पसंख्यक भी आए, तो उनको अगर 90% आरक्षण यदि कांग्रेस देती है, सीटें देती है, तो मतलब ये जो समाज है उसको वहाँ चला जाना चाहिए, इसके पीछे क्या तथ्य है आपका, क्या विश्लेषण? इसके पीछे ये है कि कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है, 72 साल उसने 1885 में ये बना और 1947 में आज़ादी लाया और 72 साल तक के कमोबेश वो राज्य किया। अभी ये बीच में 15 साल बीजेपी ने राज्य किया, लेकिन उसका कोई रंग ढंग दिखता नहीं है और पूरे डेमोक्रेसी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। तो अभी ये है कि सोनिया गांधी और राहुल परिवार हमको बुला रहे हैं और वार्तालाप करने के लिए, तो हम जाएंगे और हम उन्हीं सिद्धांतों पर समझौता करेंगे जो एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ को वो 90% आरक्षण दे। अभी पूरा पावरफुल देश भर में कांग्रेस पार्टी बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी जो बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी अपने आप को कहते हैं, काफ़ी जैसे बीएसपी है, यदि महाराष्ट्र में चल जाए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वामन मेसराम साहब की पार्टी है, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, वहाँ करीब करीब दर्जनों हैं, अगर ये ही एक मंच पर आ जाए, गठबंधन बना ले, तो संभव हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए नहीं होगा कि ओबीसी इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक के
कंबाइन नहीं होगा, एससी एससी भी झुके, ओबीसी भी झुके और माइनॉरिटीज भी झुके, तो जैसे ये उंगली है सभी उंगली झुकेंगे तब एक शक्ति बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, हमारा सपना सपना रह जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपना स्वार्थ छोड़ो और एकजुट हो जाओ और शक्तिशाली बन जाओ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आपके बेटे मुख्यमंत्री हैं, तो जिस प्रकार के आपके अंदर जो विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा है, तो वैसी विचारधारा की झलक क्या उनमें भी नज़र आती है क्या? हम बहुत दूर बैठे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, उनके बारे में उतना जानते नहीं करीब से, तो नहीं। भूपेश के दिमाग में ब्राह्मणवाद भरा हुआ है और अभी 27% आरक्षण दिया, उसमें 40 ब्राह्मणों ने रिट दायर किया हाईकोर्ट में, और उसका जो प्रायोजक है कुणाल शुक्ला, तो इसका हम विरोध करते हैं, गलत काम किया है नक्सलवाद का। वो समस्या ब्राह्मणों के द्वारा आंध्र और तेलंगाना से ब्राह्मण आते हैं और उनको मजदूर रखते हैं और उनसे गोली चलवाते हैं। आज वहाँ के जो कैदियों से मैं मिला, 15 कैदियों का टेस्ट लिया, उसमें ये है कि भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भूपेश सरकार उन लोगों को पुलिस ट्रेनिंग दे रहा है, जो लोग 12वीं पढ़े हैं कैदी उनको 15 अगस्त को रिलीफ करेंगे, और जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो 12वीं पढ़े हैं उनको सैनिक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको बंदूक दिया जाएगा, और वो जो आएंगे आंध्र और कर्नाटक से उनको गोली उन पर चलेगी। जानकारी ज़्यादा, जिस आपने ही उस बात का उल्लेख किया, जैसे हम नक्सलवाद सुनते हैं, नक्सलवाद समस्या है और छत्तीसगढ़ में काफ़ी घटनाएं घटित होती रहती है, कांग्रेस ने इसका बहुत ज़्यादा उसको नुकसान भी हुआ है, बड़े बड़े नेता उसके चले गए, तो ये नक्सलवाद की जो जड़ क्या है आपने जो बताया है? ये है ब्राह्मणवाद, क्योंकि वहाँ के जो ब्राह्मण हैं आंध्र और तेलंगाना के और उड़ीसा के, ये सब लोग आ करके इनसे मजदूरी करवाते हैं और गोली चलवाते हैं, ये गोली नहीं चलाते चलाना चाहते। अब वो नक्सलवादी जो हैं उनको दो बात चाहिए, एक तो शिक्षा का उनको साधन चाहिए, वो पढ़ना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि उनको राशन मिले बराबर, तीसरा ये है काम मिले। तो बस्तर इतना संपन्न है कि वो पूरा हिंदुस्तान को काम दे सकता है, उसमें अनेक प्रकार के खनिज हैं, अनेक प्रकार के वन संपदा है, और यदि भूपेश सरकार ऑर्गेनाइज करे तो हमको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और वहाँ टीन है, जस्ता है, वहाँ लोहा है, वहाँ लकड़ी है, तमाम प्रकार के इंडस्ट्री हम खोल सकते हैं और बस्तर के मेहनत कश लोगों को काम दे सकते हैं। जो नक्सलवाद की जो जड़ है उसमें कुछ लोग ये बताते हैं कि जो भी सरकार, पिछली सरकार कांग्रेस की रही हो या वर्तमान में जो भाजपा की कई सरकारें हैं, तो वो लोग आदिवासियों की जल और जंगल जमीन छीनते हैं, तो वहाँ का जो आदिवासी है वो अपने जल जंगल की बात करता है, उनकी ज़मीन से बेघर नहीं होने देने की बात करता है, इसीलिए शायद वो आंदोलन चलाता है तो उसे नक्सलवादी कह दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नक्सलवादी वो नक्सलवादी ये चाहता है कि हमको अनुसूची 5 के अनुसार जिंदगी जीने का हक मिले, एकड़ दो एकड़ वो लोग किसी तरह ज़मीन बना लेते हैं, धान की खेती करते हैं और झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं, उसको ये ब्राह्मण लोग चढ़ावा चढ़वाने के आड़ में वो सब छीन लेते हैं। इसलिए उन सब ब्राह्मणों को यदि निकाल दिया जाए तो निश्चित ही बस्तर में नक्सल समस्या दूर हो जाएगी और बस्तर देश के लिए एक बड़ा सोर्स का, ईंधन का, खदान का, तो उसके समान कोई सोर्स है नहीं, और इसलिए छत्तीसगढ़ के से बस्तर को अलग करने का प्रश्न नहीं है, और छत्तीसगढ़ सरकार उनकी मदद करेगा। तेंदुपत्ते में इजाफा हुआ है और भी काम में इजाफा हुआ है, जब से भूपेश सरकार आया है एक भी वारदात नहीं हुआ है।
मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ, जो आपने हालांकि नक्सलवाद के बारे में ये भी बताया कि उनकी जल जंगल जमीन तो छीन ही रहे हैं ना वो लोग, ब्राह्मण लोग चढ़ावा चढ़ाने के नाम पे, इसलिए वो लोग आंदोलित हो जाते हैं। और दूसरी क्या प्रश्न? हाँ, आरोप वाला प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% आरक्षण कोर्ट से, सरकार हारी है, सरकार ने अपना पक्ष नहीं रख पाए, और उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था वो कोर्ट के माध्यम से स्टे ला दिया गया। तो हमें ये जानकारी मिली है ओबीसी के नेताओं के द्वारा कि सरकार ने जो अपना महाधिवक्ता जो रखती है उसे प्रॉपर वहाँ पर वो गया नहीं, कई बार अब्सेंट हो गए, अपना पक्ष नहीं रखा ओबीसी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं जो तथाकथित अपने आप को सवर्ण कहते हैं उनके साथ में तो नहीं मिल गई थी? सरकार मिली नहीं है, और वो तो ओबीसी खुद ही है, पैदाइशी भूपेश बघेल ओबीसी है, और ओबीसी के खिलाफ कैसे करेगा। हाँ, ये बात है, ज़रूर है कि सत्ता में रहने से जो मुख्यमंत्री है वो बहुत व्यस्त रहते हैं, और व्यस्तता के कारण कुछ कार्रवाई भूल गए होंगे, वो अलग बात है। रह गया इसमें जो कनक तिवारी है, महाअधिवक्ता थे, उसको हमने आग्रहपूर्वक और आंदोलन करके हटवाया हुआ, और इसमें डिले हुआ, और वहाँ वर्मा जी हैं महाअधिवक्ता, वो बराबर प्रॉपर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। अच्छा, आपसे मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें, जितने भी लोग समता स्वतंत्रता और न्याय में भरोसा रखते हैं उन्हें आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से अभी देश में स्थिति चल रही है, संविधान की मूल भावनाओं को खत्म किया जा रहा है वर्तमान केंद्र सरकार के माध्यम से, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो धर्म के, भाषा या क्षेत्र के या जाति के आधार पर बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं जिससे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके अंदर जागृति आए? इसका विकल्प यही है कि आरएसएस के खिलाफ एकजुट हमको होना चाहिए, एसटी एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज, जिस दिन हम एक हो जाएंगे और आरएसएस कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि उनका बेस थीम जो असत्य आधारित है, अवैज्ञानिक है, और वो बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। उनका जो सपना है कि यहाँ हम इस देश को वर्णवादी व्यवस्था में रखेंगे और बहुसंख्यक समाज शुद्ध समाज बनेगा, ये जो मोहन भागवत की कल्पना है वो बिल्कुल गलत है, बाह्यात है, और वो लागू नहीं हो सकता। इस देश के लोग उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसलिए हमको शंका नहीं है कि इस देश में बहुत बढ़िया प्रजातंत्र आएगा। बाबूजी, एक प्रश्न और बचा है मेरा, क्योंकि हम बौद्ध धर्म महोत्सव में आए हैं, हम धर्म की बात ना करें तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। ओबीसी और एससी में भी एक ही जाति, ज़्यादा जातियों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना है, बुद्ध के धर्म को नहीं स्वीकार किया है, ओबीसी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, बाबा साहब का जो उन्होंने बात कही थी कि आप सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हो तो बुद्ध के पथ पे चलना चाहिए, उन्होंने जो नागपुर की दीक्षा भूमि में जो कहा था, तो ये समाज क्यों नहीं समझ पा रहा ये बात बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग? संस्कार के कारण 5000 साल तक के वो गुलाम हैं, कौन ये जो ओबीसी है वो उनको मूर्ख बना करके अनपढ़ गंवार बनाया, और साथ में शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, और इसका अज्ञानता के कारण वो पड़े हुए हैं। जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगी, जैसे मैं ओबीसी में हूँ लेकिन मुझे ज्ञान हो गया, मैं तत्काल हिंदू धर्म छोड़ दिया, तो आज ज़रूरत है हम उसको जगाएंगे, तो समय तो लगेगा, लेकिन आज जो हमारी डिमांड हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में कभी मुंबई से, कभी पटना से, कभी दिल्ली से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी ये छिंदवाड़ा से, ये जो डिमांड हो रही है वो हमारे मूवमेंट का सफलता का परिणाम है। कि बाबा साहब ने जो सत्ता की चाबी की बात कही थी उसके पहले उन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रांति होनी चाहिए,
तो सामाजिक क्रांति की जो गति है काफ़ी धीमी है, उसका क्या कारण? ये सही है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो सामाजिक क्रांति की अवधारणा थी उस पर हम चल नहीं पड़े, उस पर बहुत कमज़ोर कॉन्सेप्ट रहा और उसमें कांग्रेस के ब्राह्मणवादी दोषी हैं। आप आपके बारे में जानकारी है मुझे कि आप कांशीराम साहब के साथ भी काम किए हैं, सही है? कांशीराम मेरे से 1.5 साल बड़े थे और कांशीराम ने एक मंत्र मुझे दिया, वो बेमेतरा में मुलाकात हुई और कांशीराम को मैंने कहा कि किसान आंदोलन करो, तो उससे बसपा बहुत जल्दी बढ़ेगा। कांशीराम ने कहा कि यदि आप जन्म भर किसान आंदोलन करेंगे तो एक पटवारी का ट्रांसफर नहीं करा सकते, और अगर कहीं सत्ता में आप विधायक बनेंगे तो 100 पटवारी को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। और उस बात से मुझे ज्ञान हुआ और कांशीराम के रास्ते में मैं चल पड़ा, और सत्ता को कैसे जन सामान्य की तरफ बढ़ाया जाए और सत्ता को हम कब्जा करें, तभी जो दलित शोषित और तमाम सब जनता का कल्याण हो सकता था। कांशीराम साहब के रास्ते में मायावती नहीं चली और उसने नारा दिया, कांशीराम ने कहा कि तिलक तराजू और तलवार, जूता मारो इनको चार, लेकिन मायावती ने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब से हम बसपा छोड़ दिए। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।